जी वहीदा महेश्वर मेरा नाम है, मैं जर्नलिज्म की डायरेक्टर हूँ। और आज जिस तरह स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है, सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग जो कि ज़ेबिस फाउंडेशन के हेल्प के साथ भी स्पॉन्सरशिप उनकी थी, तो आज स्टूडेंट्स ने एंड्रॉयड एप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खुद कमिश्नर साहब आए थे और सिविल सोसाइटी के अफराद मौजूद थे, मीडिया थी, इसके अलावा इंडस्ट्री के भी लोग थे जिन्होंने विटनेस किया कि स्टूडेंट्स ने इतने छोटे से टाइम में सिर्फ 4 महीने के अंदर जो एप्स बनाई हैं वो रियल सेंस में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं हैदराबाद के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स नौजवान हैं, उनको एक सिंगल क्लिक पे वो पूरा पाकिस्तान, कराची और दुनिया से कनेक्टेड है, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि हैदराबाद जो किस्म का दूसरा बड़ा शहर है, तो बहुत सी चीज़ें जो कराची, इस्लामाबाद में वो यहाँ नहीं है, तो उन्होंने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ एप्स बनाई हैं हैदराबाद के लिए और बाकी रूरल सिंध के लिए। तो मैं समझती हूँ ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को करना चाहिए, बल्कि बात भी करेंगे हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है ज़ेबिस हैदराबाद की, और हम ये भी कोशिश करेंगे किसी तरह इनका बहुत से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ये परचेज करें एप्स हमारे नौजवानों से, तो उससे ये होगा कि नौजवान भी बहुत सारे रोजगार हो जाएंगे, वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे रिगार्डिंग द इकोनॉमी, और फिर आवाम